हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड खास के वैसे बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि एडमिशन कब होगा या एडमिशन कब से चालू होगा। बहुत सारे बच्चे वेबसाइट का एग्ज़ाम दे के अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस का वेट कर रहे हैं कि कब कैसे क्या होगा। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। एंड चाहे और भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होइएगा इंजीनियरिंग का, तो बहुत सारे बच्चे का ये क्यूरियोसिटी होता है जो 12th के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं, यू नो, तो उसका एग्ज़ाम या कॉलेज कब मिलेंगे। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि UCG की तरफ से जो नोटिस आया है उसी को मैं सारा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि कैसे क्या एकेडमिक सेशंस रहेंगे। खास के कॉलेज स्टूडेंट भी जो हैं तो वो पूरा देखिएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो मैं लाते रहता हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा तो उत्सुकता इस बात का होगा कि पहले डेट पता चले कि कब क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे, कैसे कैसे सेशन चलूगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एकेडमिक कैलेंडर बता देता हूँ 2020 में क्या क्या होने वाले हैं। तो स्टार्ट ऑफ इवेंट सेमेस्टर जो हम लोग का हुआ था, कहने का मतलब जितने भी बच्चे और सेमेस्टर दिए होंगे दिसंबर में या जुलाई के, सॉरी जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिन जो इवेंट सेमेस्टर चालू हुआ था, चाहे जो भी बच्चे सेकेंड सेम में गए होंगे या फोर्थ सेम में जो भी बच्चे गए होंगे, तो उनका 01/2020 से क्लास चालू हुआ था। मार्च के अंदर सस्पेंशन हुआ था। एंड उस सस्पेंशन के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस चलने का जो प्रोसेस हुआ, ऑनलाइन लर्निंग का जो प्रोसेस हुआ, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब सब पे जो पढ़ाना चालू हुआ, वो 16/3/2020 से 31/5/2020 तक ये चीज़ें चली हैं एंड चलेगा भी अभी भी। उसके बाद जो है 1/6/2020 से लेके 15/6/2020 तक सभी कुछ होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होंगे, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स होंगे, ई लैब्स, इंटरनल असेसमेंट्स, स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव, ETC, ये सब चीज़ें होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है समर वेकेशन जो होगा 16/6/2020 से लेके 30/6/2020 तक। देखिएगा यहाँ पे #hashtag लिखा हुआ है, तो उस #hashtag के नीचे दे दिया गया है कि इफ़ सिचुएशन सो डिमांड्स द यूनिवर्सिटी कैन हैव सम वेकेशन फॉर 30 days फ्रॉम 1/6/2020 से लेके 30/6/2020, इन दैट केस द टीचिंग लर्निंग। तो वो जो चीज़ें हैं समर वेकेशन वाला जो चीज़ है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ले, टर्मिनल सेमेस्टर जो होगा 1/7/2020 से लेके 15/7/2020। टर्मिनल सेमेस्टर मतलब जो भी किसी भी कोर्स का सबसे जो लास्ट सेमेस्टर है आप कह सकते हो, जो भी बच्चे फोर्थ सेम में होंगे उसके जो फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला होगा उसका। एंड जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर हुआ फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, ये जो सेमेस्टर्स होंगे इसका जो एग्ज़ाम होगा 16/7/2020 से लेके 31/7/2020 तक। अच्छा, रिजल्ट की बात करें तो टर्मिनल सेमेस्टर 31/7/2020 एंड इंटरमीडिएट सेमेस्टर का होगा 14/8/2020 को रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद 2020 और 21 के सेशन की बात करें तो एकेडमिक सेशन 2021 में कैसे चलेंगे, तो एडमिशन प्रोसेस जो चालू होगा 1/8/2020 से लेके 31/8/2020 तक चालू होगा। क्लास जो चालू होने के जो डेट है, जो भी बच्चे सेकंड या थर्ड ईयर में होंगे उनको 1/8/2020 से चालू हो जाएगा क्लास। एंड जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनका 1/9/2020 से, यानी कि एडमिशन करा के उनका क्लास चालू हो जाएगा। जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि जो एडमिशन लेंगे फ्रेश बैच जो होगा 1/9/2020 से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 1/1/2021 से लेके 25/1/2020 तक चलेगा। एंड डिस्पर्सल ऑफ क्लासेस 25/5/2021 को होगा। इवेंट सेमेस्टर के जो क्लास जो चालू होंगे 27/1/2021 को होगा। उसके बाद फिर से समर वेकेशन आप लोग को 1/7/2021 से 30/7/2021 के बीच में रखा गया है। एंड नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो चालू होगा, कहने का मतलब 28/2021 से नेक्स्ट सेमेस्टर, जो भी बच्चे जैसे कि मान लीजिए
नेक्स्ट कहने का मतलब एडमिशन जो प्रोसेस फिर से जो चालू होगा 2022 वालों के लिए, तो उस सब टाइम में फिर से होगा नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो चालू होगा। तो ये सब चीज़ें जो है मेन मैंने बता दिया। आइए आप कुछ पीछे की बातें करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होइएगा कि मोड ऑफ टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें बताए गए हैं, या तो आप उसको पूरा पढ़ सकते हो। मैं शॉर्ट वे में कुछ कुछ आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें जो है कहने का मतलब बहुत सारे जो भी सिचुएशन था, सिचुएशन से पहले जो भी पढ़ाई चलती थी हम लोग के क्लासरूम में या क्लासरूम में, एंड उसके बाद जो सिचुएशन जो आया उसके बाद जो है बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चीज़ें पढ़ाए जाने लगा, चाहे असाइनमेंट की बात कर ले या फिर जो भी प्रोजेक्ट वर्क दिया गया। तो ये है, द यूनिवर्सिटीज़ आर अडॉप्टिंग ऑफलाइन मोड, दैट मीन्स कंडक्टिंग क्लासेस इन फेस टू फेस इंटरेक्शन विद अ फ्यू एक्सेप्शंस एंड दैट टू। ओके, तो या उसके बाद जो है जो जो सिचुएशन हुआ उसके बाद जो टीचर टीचर है या कॉलेज जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिए, बहुत सारे क्लासेस या तो यूट्यूब पे चल रहे हैं यानी कि पढ़ाने लगे, गूगल क्लासरूम में, गूगल हैंगआउट पे, तो इसी सब पे पढ़ाया होने लगा। तो जब तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगा तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो वैसे ही चलने वाले हैं, एंड अगर उसके ख़त्म होने के बाद भी ज़रूर प्रिकॉशन लेके ही या जो क्लासरूम क्लास होगा वो चलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, तो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन देखिए अभी भी फिक्स नहीं है कि क्या होगा, ये चीज़ें डिपेंड करता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एंड अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन संभव नहीं है, संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे अभी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं जिनके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, और अगर वो कहीं पे प्राइवेट एजेंसी को में भी हायर करते हैं तो फिर भी वो कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं रहेगा। तो इसके लिए हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि ऑल द यूनिवर्सिटीज़ देयरफॉर कीपिंग इन व्यू द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट ऑफ द टू द स्टूडेंट स्पेशली इन रिमोट एरियाज इफ इट इज़ नॉट फेसिएबल टू यूनिफॉर्मली अडॉप्ट द ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन एट दिस जंक्चर। तो यही है कि सिचुएशन या जो भी मैंने एकेडमिक डेट बताई या जो भी एग्ज़ामिनेशन का डेट बताया उसमें अगर सिचुएशन कंट्रोल रहा तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही जाके कोई तरीके से शॉर्ट पीरियड में लिया जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन की गाइडलाइंस जो है वो गाइडलाइंस ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि इस गाइडलाइंस में आप लोग को बता दिया गया है कि सबसे पहला आप लोग लाइन देखिएगा कि मेंटेनिंग द सेंसिटी ऑफ एकेडमिक एक्सेप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मोड एंड मेथड ऑफ एग्जामिनेशन टू कंप्लीट द प्रोसेस इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, विथ सीबीसी रिक्वायरमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय यूसीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम दे दिस मे इंक्लूड एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइसेस असाइनमेंट, यू नो। तो जो भी एग्ज़ाम होगा, ये कहने का मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसके इंटीग्रिटी को ना घटाते हुए, यू नो, तो ये सब चीज़ें जो होंगे चाहे कम पीरियड में कैसे हो, क्वालिटी चीज़ें कैसे हो पाए, तो उसके लिए हो सकता है कि एमसीक्यू या ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ओपन चॉइसेस असाइनमेंट हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में लिखा गया है कि द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन By reducing the time from 3 hours to 2 hours, यानी कि कुछ ऐसे innovative, you know, efficient idea लाना है टीचरों को या जो भी arrangement करेंगे कि 3 घंटे का जो exam होगा वो 2 घंटे में ही हो जाए, लेकिन उसका quality नहीं घटे। Quality बहुत सारे sense में हो सकते हैं, quality मतलब question का quality नहीं घटे, quality का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ढील नहीं मिल जाएगा, यानी कि बच्चे चोरी कर सकती है, तो ये चीज़ें हैं।
अच्छा उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे देखिएगा कि द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड एज पर देयर ऑर्डिनेंस, यू नो ऑर्डिनेंस रूल एंड डिस्टेंसिंग एंड कीपिंग इन व्यू द सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल विद देम एंड इंश्योरिंग फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए मैंने पहले भी बोला कि हर कुछ सिचुएशन पे डिपेंड है, जो भी डेट अभी UGC जो निकाले हैं, अगर उस डेट तक जो हमारे देश का सिचुएशन है वो सिचुएशन कंट्रोल रहा तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे, नहीं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अभी भी, यू नो जो भी एग्ज़ाम, चाहे इंटरमीडिएट सेमेस्टर होगा या टर्मिनल सेमेस्टर होगा। अच्छा यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ आप लोग देख रहे होइएगा पांचवें पॉइंट के, इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल एवेल्युएशन adopted by the university and the remaining 50% mark can be awarded on the basis of performance in previous semesters only। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होते हैं, जस का तस रह गया, जो भी डेट निकाला गया एग्ज़ाम का उस तक नहीं होते हैं, तो आप लोगों को जो है 50% मार्क जो है आपके इंटरनल जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके एवेल्यूशन पे दिया जाएगा, और रेस्ट जो 50% है वो आपके प्रीवियस सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये भी मन में सोच रहे होंगे कि वाइवा या प्रैक्टिकल ये सब क्या होगा, तो 11वें पॉइंट पे देखिएगा लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड वाइवा एग्जामिनेशन थ्रू स्काइप और अदर मीटिंग ऐप्स, एंड इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मे बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंसुइंग सेमेस्टर्स। तो यही है कि हर कुछ सिचुएशन पे अभी डिपेंड कर रहा है, अगर भाईवा भी आपके होंगे या प्रैक्टिकल भी होंगे वो स्काइप पे भी हो सकते हैं या किसी भी ऐसे मीटिंग ऐप पे हो सकते हैं, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पे सम जनरल गाइडलाइंस है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा या तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं यहाँ पे सारा दे दूँगा, तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहला नंबर देखिएगा कि ऑल द यूनिवर्सिटी में फॉलो अ 6-day week पैटर्न टू कंपनसेट द लूज फॉर द रिमेनिंग सेशन ऑफ 2019-20 एंड द नेक्स्ट सेशन 2020-21। तो ये जो भी हम लोग का हुआ है वो सच में लॉस तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आपका जान ही नहीं सेफ है तो फिर पढ़ के या कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं है, अर्न करके कोई फ़ायदा नहीं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी कि सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड जो भी चीज़ होते रहेंगे वो रेस्ट है, जब सिचुएशन कंट्रोल होगा उसके बाद ही कुछ भी किया जा सकता है। तो ये और भी चीज़ें जो हैं आप लोग बैठ के पढ़ लीजिएगा, वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ जो है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने बता दिया है, एंड और भी चीज़ें जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे मॉडल क्या था कि जो आपके जो क्लास का जो 2019-20 का जो सेशन था, जो एग्ज़ाम कब होगा वो मैंने बता दिया, एंड 2020-21 का जो प्लान था जो UGC ने बताया वो भी मैंने बता दिया, तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। एंड दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग जिस भी कॉलेज से हैं उस कॉलेज से या तो किसी टीचर से या फिर उसके वेबसाइट पर हमेशा एक्टिव रहने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक्टिव रहने से ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि किसी भी तरीके का अगर कोई भी नोटिस आता है तो वो चीज़ें आप लोग को पता चल जाएगा, चाहे इंटरनल एग्ज़ाम से ही रिलेटेड या कोई असाइनमेंट ही सबमिट करना, तो ये सब चीज़ें पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जो है अभी तो लगभग में असंभव है फेस टू फेस क्लास कंडक्ट करना, तो इसीलिए ये चीज़ें आज सफल हो कल सफल हो, लेकिन आने वाले टाइम में ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन जो टीचिंग प्रोसेस है वो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है इन फ्यूचर, तो ऐसा ना हो कि यानी कि हर कुछ पेंडिंग पड़ जाए, चाहे एग्ज़ाम, तो
इसीलिए हमारे जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी हमारे यू नो कॉलेज है या टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने का बहुत ज़रूरी है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जाए तो वो चीज़ें ना रुके। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हर एक बच्चे के पास ना तो इंटरनेट है, ना तो हर एक बच्चे या बहुत सारे टीचर जो हैं वो व्हाट्सएप पर पढ़ा रहे, तो व्हाट्सएप पर पढ़ाने से ये पता नहीं चलता है कि कौन सा बच्चा अटेंड कर रहा है या कौन सा बच्चा नहीं अटेंड कर रहा है, या इंटरेक्शन जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में उतना नहीं हो पा रहा। आप एक चैटिंग पे कितना कुछ बता सकते हो या पढ़ा सकते हो, यह असंभव है। जो जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ छेड़खानी करना मतलब यू नो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ हो सकता है, चाहे ऑनलाइन यू नो एक प्रॉपर जो क्लासरूम हो सकता है वैसे आप पढ़ाओ, या फिर मैसेजिंग पे कितना देर, तो ये चीज़ें हैं। तो इन फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीख भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी होगा। तो अभी का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप लोग अपडेट रहिएगा जो भी आपका कॉलेज होगा उसके वेबसाइट पे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जैसे कि मेरे चैनल पे आप लोग देखते होइएगा कि मोटिवेशनल वीडियो आते रहता है या मोटिवेशनल रैप सॉन्ग आते रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से यू नो बता देते हैं, ये हम लोग का रॉ मटेरियल है जहाँ पे हम लोग खुद लिखते हैं और आप लोग को सुनाते हैं या बताते हैं। तो एक दो दिन के भी अंदर और कुछ नया आने वाला है इसी से रिलेटेड, कि हम लोग का सोच क्या हो रहा है, या यू नो क्या है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो या कितना भी आप यू नो ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाओ या कितना भी आप यू नो कि बहुत कुछ आपके पास है, धन दौलत दिमाग हर कुछ है, लेकिन जब तक आप एक ह्यूमन नहीं होते हैं ना, जब तक आपको सही गलत का फ़र्क नहीं पता होता है ना, जब तक यू नो आप सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए या सोसाइटी कैसा हो रहा है, अगर उन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो कोई मतलब नहीं है, ना तो आपके दिमाग का, ना तो आपके पैसा का, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा इंसान बनना। अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आपके पास दिमाग भी थोड़ा कम है और पैसे भी थोड़े कम है ना, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा सोसाइटी के अंदर। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या जिनके पास दिमाग है वो भी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि ज़रूरी क्या है, तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एंड ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भी डॉट है या कितना अगला कौन सा आप लोग वीडियो चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम।